नहीं मालूम है क्या नाम इसका? तेंजिंग डार्गे। इसका नाम क्या है? तेंजिंग हकी। तेंजिंग, अरे वाह, तेंजिंग से आपका नाम क्या है? माय गॉड, तीन तेंजिंग हो गया। आपका नाम क्या है? ओह माय गॉड, आपका नाम तेंजिंग। सो गाइस, वेलकम टू द बुद्धा पार्क ऑफ मुसाफिर एंड इट्स रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ का नजारा है पूरा पूरी नेचुरल है और बहुत ही सुंदर है। यहाँ के आपको फील होगा कि आप रियल में आप नेचर के साथ हो और भगवान के साथ हो। तो प्लीज यू आर वेलकम टू बुद्धा पार्क। गाइस, ये बुद्धा पार्क का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ आपको, नीचे से ऊपर की ओर आप ये देख सकते हो बुद्धा स्टेच्यू। ऐसा लग रहा है मानो आसमान में बुद्ध भगवान प्रकट हो गया हो। और थोड़ी नीचे पर हम देख सकते हैं हरियाली जंगल, जो पूरी तरह 100% प्राकृतिक है, टोटली नेचुरल है। तो ये आप बुद्धा पार्क यहाँ से देख सकते हो। फिर साइड में आप ये सुंदर सा नज़ारा भी आप देख सकते हो। एंड गाइस, ये बुद्धा पार्क के नीचे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसके बारे में बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फ्लावर्स के बारे में नहीं, फ्लावर्स के बारे में नहीं है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो आप दिया यहाँ पर देख रहे हो, इसको यहाँ पर छेमी भी आप कह सकते हो। और ये जो छेमी या जो दिया हम जलाते हैं, किसी का आत्मा के शांति के लिए भी जलाते हैं, या आपके मन में कोई मनोकामना है तो आप यहाँ पर प्रे कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको कुछ दान करना पड़ता है। और यहाँ बगल में मैं आपको दिखाना चाहूँगा डोनेशन बॉक्स, यहाँ पर मैं आप जितने भी डोनेशन दे सकते हो और उसी हिसाब से आप यहाँ पर ये छेमी या ये दिया जला सकते हो। लेकिन बिना दान के अगर आप जलाते हो तो वो व्यर्थ चला जाएगा, वो आपको कुछ भी काम नहीं आएगा। ओके गाइस, तो अभी हम यहाँ पर पहले डोनेशन बॉक्स में हम ये दान करेंगे, उसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो मेरा ये बेटा है, तो मैंने यहाँ में टच करा दिया, उसका नाम से बोलो। और ये मेरा जो होम मिनिस्टर है और जो कैमरा पर्सन, ये भी मेरा बेटा है, आप भी टच कर लीजिएगा। और अब हम इसको यहाँ पर पहले हम यहाँ पर डोनेशन बॉक्स डालेंगे, फिर हम दिया जलाएंगे। ओके, हाँ, उसमें चढ़ गया, चलो कोई बात नहीं, चलो डाले। हाँ हाँ, Let me help you. Not like that. Like that, na? Let go. Yes. Very good. Yes. So guys, I'm going to open my eyes. बुद्धा पार्क ठीक ऊपर में, और फिर ऊपर से आपको नीचे का नज़ारा भी दिखाऊंगा, क्योंकि नीचे से तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ऊपर से नीचे कैसा लगता है अभी मैं ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा। गाइस, और फिर ये बुद्धा पार्क से अगर मैंने आपको चीगांव का नज़ारा नहीं दिखाया तो ये अधूरा ही हो जाएगा मेरा ये ब्लॉग। तो आप यहाँ चीगांव का नज़ारा आप देख सकते हो, इट्स रियली अमेजिंग एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड गाइस, ये जो पेंट आप देख रहे हो, यहाँ का जो पेंटिंग है, ये सब थ्री डी पेंटिंग है, जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो आप। ओके गाइस, एंड जैसे मैं यहाँ बुद्धा पार्क पर आया तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा और हैंडसम और ये मतलब एनर्जेटिक मेरा ब्रदर्स लोग, मेरा भाई लोग मिला, एंड दे आर ऑल्सो स्टूडेंट एंड दे आर फ्रॉम कलाकतांग। एंड अच्छा लगा कि कलाकतांग के लोग भी यहाँ में आ रहे हैं एंड दे आर जस्ट एक्सप्लोरिंग दिस बुद्धा पार्क। तो मैं उनसे भी एक एक करके सुनना चाहूँगा कि वो यहाँ पर कैसे आए या क्या है। तो पहले शुरू करना चाहूँगा हमारे सलमान खान भाई से। तो प्लीज़ सर, बोलिए, आप कहाँ, कलाकतांग से आए? कलाकतांग से। तो आपको पहले से पता था बुद्धा पार्क के बारे में यहाँ का? या पहले से तो पता नहीं था। हाँ, जब मैं बोमदेल जाते समय, हाँ, जस्ट राइट साइड पे एक जो बुद्धा पार्क करके, मतलब रास्ता से दिखाई दिया या कोई साइन बोर्ड पर दिखाई दिया आपको? मतलब वो रास्ता से दिखाई देता है। तो कल जस्ट कल ही आया था तो आज यहाँ पे एक्सप्लोर करने आए हुए हैं। मतलब कल ही आया था और उन्होंने आकर के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना। और आप कुछ कहना चाहते हो कोई भी? ओके, तो देखिए हमारे छोटे छोटे भाई लोग भी आ रहे हैं घूमने के लिए, जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आजकल लोगों के पास समय का है, घर में बैठे रहो, टीवी देखते रहो, मोबाइल खेलते रहो, ऐसा घूमना भी है, थोड़ा समय टाइम भी निकलना है। तो अच्छा लगा हमारे कलाकतांग का भाई लोग को देखकर। तो भाई लोग, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बुद्धा पार्क का ये जो सीढ़ी चढ़कर काफ़ी ऊपर में पहुंच चुका हूं, आप मैं और ऊपर जाकर आपको दिखाऊंगा कि कैसा लगता है। बहुत ही मतलब अद्भुत नज़ारा है। और ऊपर से मैं आपको नीचे का नज़ारा भी जरूर दिखाऊंगा कि कैसा लगता है। तो गाइस, अभी मैं काफ़ी टॉप पर पहुँच कर दिखाऊँगा कि मतलब कैसा लगता है।
गाइस से ऊपर से नज़ारा आप देख सकते हो। तो गाइस ये बिल्कुल मैं ऊपर पहुंच चुका हूं, अब मैं अंदर जाके दर्शन करके आपको दिखाता हूं। तो गाइस ये देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे बच्चे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और ये सबसे प्यारा बच्चा ये भी यहाँ पर भगवान बुद्ध के दर्शन के निकल आया है। आपका नाम क्या है? नहीं मालूम है, क्या नाम इसका? तेंजिंग दारगे। इसका नाम क्या है? तेंजिंग हकी। तेंजिंग, अरे वाह, तेंजिंग से। आपका नाम क्या है? माय गॉड, तीन तेंजिंग हो गया। आपका नाम क्या है? ओह माय गॉड, आपका नाम तेंजिंग। क्या नाम आपका था? दौड़जे बच गया, ये चारों का चारों तेंजिंग था। और आप कहाँ से आए हो? मंडला फुतन, कई लोग मंडला फुतन से आए, ठीक है। और ये रहा देखिए, ये मेरे साथ ये बुड्ढा बहुत ही अमूल मिला। ओके, थैंक यू। सो गाइस आप देख सकते हैं ये माने हैं, इसको आप जितना घुमाओगे उतना आपको अच्छा होगा। ऐसा है मतलब दिल्ली देखिए, मतलब इसको आप जितना घुमाओगे जितना रोटेट करोगे ये मंत्र उतना ही मतलब हवा से मिलकर पूरा वातावरण में फैल जाएगा, और मतलब आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो कभी भी आप भोनपा में आते हो तो एक बार इसको घुमाने के लिए मत भूलिएगा, जितना आप घुमाओगे इतना आपके लिए अच्छा है। सो गाइस ये मुद्दा पार्क का, यहाँ का अभी साइड का नज़ारा देख सकते हो, फ्रंट का नज़ारा तो मैंने आपको दिखा दिया। और ये बैक साइड का नज़ारा आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा दूर से मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, यहाँ से भी आप देख सकते हो हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग।